प्रभु यीशु, आप यदि ये उच्चारण पहली बार सुन रहे हों तो उत्तर भारत में अपन उनको ईसा बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं, वही नाम है। दक्षिण आके वो यीशु मसीह हो गया है। एक ही नाम का अलग अलग जगह अलग अलग उच्चारण होता है। प्रभु यीशु के शिष्यों की ये मंडली सत्संग के लिए इसलिए एकत्रित होती है कि प्रभु की वाणी सुनकर अपने जीवन में कुछ अनुग्रह पाएं, दिशा पाएं और उसके अनुसार हम जी सकें। भाई संतोष और परिवार ने एक बहुत ही गजब का गाना गाया था, ये दुनिया एक किराए का घर है। मैं हैरान हो गया कि एक वाक्य में कितनी बात कह गए वो, क्योंकि इस सत्संग में जितने लोग हैं वे सब लोग इस बात का मतलब जानते हैं कि किराए का घर क्या होता है। जैसा मैंने कहा, ना तो अपना घर होता है, ना अपने घर जैसी सुविधा होती है, ना अपने घर जैसी खुशी होती है, ना ही अपने घर में जो हम कर सकते हैं वो किराए के घर में नहीं कर सकते। ठीक है, दुनिया मेरे आपके लिए एक किराए का घर है। कुछ सालों के लिए हमें यहाँ रहना है, लेकिन उसके बाद अपने स्थायी घर में वापस जाना है। आज इस सभा में उपस्थित जितने भाई बहनों का गांव में अपने स्वयं का घर है, वो जानते हैं कि जब छुट्टियों में अपने स्वयं के घर पहुंच जाते हैं तो कितनी खुशी होती है। भले ही मिट्टी का मकान हो, भले ही उसके ऊपर बस पक्की छत नहीं, सिर्फ पटोर ही पटोर हो, इसके बावजूद अपना घर होता है। इसी तरह से ये दुनिया तो किराए का मकान है, किराए का घर है। हमें ये संसार छोड़कर अपने स्थाई घरों में जाना है। स्थाई घर या स्थाई भवन के बारे में प्रभु का वचन हमको बहुत सारी बातें बताता है। प्रभु यीशु जब संसार में थे तब प्रभु ने यह बात कही थी, मैं तुम्हारे लिए भवन तैयार करने जा रहा हूं। संसार का सृष्टा, जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है, जब वे मेरे और आपके लिए भवन तैयार करेंगे तो वो कितने गजब का भवन होगा, इसको हम सोचें। लेकिन उसके साथ साथ प्रभु के वचन में एक बात और भी कही गई है कि उस भवन के निर्माण के लिए जो माल और सामग्री है वो हम भेजते हैं। जिनके पास बाइबल है वे लोग फुर्सत में पहला कुरिन्थियों 3 खोलकर यदि पढ़ लें तो वहां हम पढ़ते हैं कि मकान नींव डाल दी गई है, उसके ऊपर निर्माण हमको करना है। और वो निर्माण जब हम करते हैं तब सही मटेरियल से निर्माण करें। यदि आप मकान बना रहे हो, ईंट खरीदने के लिए गए, वहां पहुंच के पता चला कि बाप रे, एक ईंट 15 का, और यदि आप ठेकेदार से कहें कि भैया एक ईंट 15 का मैं मकान कैसे बनाऊं, और यदि ठेकेदार के कोई बात नहीं है, भैया तुमको यदि 15 की ईंट महंगी लगती है तो बगल में ये ईंट रखे हैं, 1-1 का ले जाओ। कहां 15 की ईंट और कहां 1 की ईंट, आप पूछेंगे अच्छा 1 की, हाँ जितना चाहिए 1 में 1 प्रति ईंट ले जाओ। और यदि आप पूछेंगे अच्छा भैया उसका जरा रहस्य भी बताओ, तो रहस्य बताए कि भाई देखिए 15 की जो ईंट है वो मजबूत है, सही तरीके से प्रिपेयर की गई ईंट है। ये जो 1 की ईंट मैं तुमको दे रहा हूं उसमें से हर ईंट कम से कम 10 जगह से क्रैक है, टूटा हुआ है, आप उस ईंट को खरीदेंगे क्या? अरे भाई मकान क्रैक ईंटों से बनाने के लिए थोड़ी हम खरीदने के लिए आए हैं। आत्मिक जीवन ऐसा ही है, आत्मिक जीवन का निर्माण हमको सही तरीके से करना चाहिए। आत्मिक जीवन के सही निर्माण के लिए ही अपन लोग
इस तरह से एकत्रित होकर प्रभु के वचन से, प्रभु की वाणी सुनते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हमें अपने जीवन में यह निर्माण कार्य कैसे करना है। इस संदर्भ में पिछले कई महीनों से अपन लोग प्रभु यीशु की जीवनी का अध्ययन कर रहे हैं, ईसा मसीह का जीवन चरित्र पढ़ के उसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रभु ईसा या प्रभु यीशु के चार परम भक्तों ने उनकी जीवनी लिखी थी, और भी बहुत सारे लोगों ने लिखी थी, लेकिन हमको जो चाहिए वो चार परम भक्तों ने लिखी थी, जिसको प्रभु ने हमको प्रदान किया है। पवित्र बाइबल में ये चारों पुस्तकें हमको मिलती हैं, जिनका नाम उस जमाने के लोगों के नाम के आधार पर मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहा जाता है। इन चारों को कंबाइन करके जो एक इतिहास बनता है, उसके आधार पर मैं आपको एक एक करके प्रभु के जीवन में जो घटनाएं हुई थी वो बताता जा रहा हूं। पिछले हफ्ते हमने ये बात देखी थी कि जब प्रभु और उनके शिष्य जा रहे थे सेवा कार्य के लिए, तो शिष्यों को लगी भूख। तो गांवों का जो कानून है कि भैया खेत के बगल से जा रहे हो, भूखे हो, तो एक आध गाजर, मूली या जो कुछ तुमको चाहिए पूछने के बाद तोड़ लो, लेकिन एक बात, सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए, थैला भरने के लिए नहीं। तो उस कानून के अनुसार चेलों ने वो जो गेहूं की बालियां लगी थी उसको लिया, उसको मसला, तो उसमें से फ्रेश जो गेहूं है वो बिना पका हुआ वो मिल जाता है, वो बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। उन्होंने उसको भरपेट खाने की कोशिश की, तो वहां कुछ पाखंडी खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि अरे ये तो हमारे विश्राम का दिन है, और विश्राम के दिन तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए, ये तो कर्म हो गया कि आपने हाथ से मसल दिया। तो प्रभु ने उनसे पूछा कि अरे पाखंडी, यदि विश्राम के दिन तेरी एकमात्र भेड़ कुएं में गिर जाए तो तू उसको खींच के निकालेगा या नहीं निकालेगा, और खींच के निकालेगा तो कर्म होगा या नहीं। उसके बाद प्रभु और आगे बढ़े, तो वहां एक आदमी बैठा था जिसका हाथ जन्म से ही सूखा हुआ था। अपन जानते हैं कुछ लोगों के हाथ मसल्स सूख जाते हैं और हाथ यों खींच के मुड़ जाता है। वो प्रभु की ओर टकटकी लगाए हुए था कि प्रभु मुझे चंगाई देंगे। ये जो पाखंडी लोग थे ये प्रभु के विरोध के लिए वहां आए थे। प्रभु ने उन लोगों को देख के फिर से यही बात जो मैंने पहले बताई, एक्चुअली प्रभु ने उनसे ये बात पूछी थी, अरे पाखंडी, एकमात्र भेड़ कुएं में गिर जाए तो विश्राम दिन तुम उसको बाहर निकालोगे, एक भेड़ की कीमत ज्यादा है या मनुष्य की कीमत ज्यादा है। उसके बाद प्रभु ने उस आदमी को चंगाई दी। इसके बाद प्रभु और आगे बढ़े और उन्होंने बहुत सारे काम किए, लेकिन उसमें से एक प्रत्येक कार्य मैं आपके सामने आज पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो कि मरकुस के शुभ संदेश में, मतलब बाइबल का उत्तरार्ध या नए नियम की जो तीसरी पुस्तक है, जिनके पास है वो खोल लें, बाकी सब लोग मैं पढ़ के सुना रहा हूं सुन लें। मरकुस 3:13-19 हम पढ़ने जा रहे हैं। मरकुस 3:13-19 वहां लिखा है, फिर वे पहाड़ पर चढ़ गए और जिन्हें चाहते थे उनको अपने पास बुलाया और वे उसके पास आए। देखिए, प्रभु जहां भी जाते थे भारी भीड़ उनके आसपास टूट पड़ती थी। इसके पहले के हफ्तों में मैंने बताया था किस तरह से एक बार तो ऐसी भीड़ टूट पड़ी उनके ऊपर, ऐसी भीड़ टूट पड़ी कि उसमें सिर्फ पुरुषों की संख्या 5,000 थी, जिसका मतलब है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे सब मिला के 10,000-12,000 के करीब होंगे। ये लोग तो भोजन के लिए प्रभु के पीछे भागते थे, लेकिन आज का दिन जब आया तो प्रभु पहाड़ पर चढ़ गए और सिर्फ ऐसे लोगों को बुलाया जिनको प्रभु चाहते थे। प्रभु चाहते थे का क्या मतलब है? प्रभु तो संसार में हर एक से प्रेम करते हैं। यूहन्ना के 3:16 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने सारे संसार से प्रेम किया, लेकिन यहां प्रभु जिनको चाहते थे का मतलब यह है कि हजारों की जो भीड़ जुटती है उसमें से हर कोई प्रभु के प्रति समर्पित नहीं होता है।
लेकिन उनमें से कई ऐसे थे जो प्रभु के प्रति बहुत अधिक समर्पित थे, उन लोगों को प्रभु चाहते थे। तो प्रभु ने उनको अलग से अपने पास बुलाया और एक खास काम किया। प्रभु के वचन में लिखा है उन्होंने 12 पुरुषों को नियुक्त किया, 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे प्रभु के साथ साथ रहें और प्रभु उनको भेजें कि वे प्रचार करें। प्रभु संसार में एक विशेष उद्देश्य के साथ आए थे, एक नया धर्म चालू करने के लिए नहीं, मुक्ति देने के लिए, शांति देने के लिए। अभी थोड़ी देर पहले वो गाना हमने गाया था जिसको एक मधुर ट्यून भाई मैथ्यूस ने दिया है, मुक्ति देता है, मुक्ति देते हैं, शांति देते हैं। प्रभु संसार में मनुष्य को मुक्ति और शांति देने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु की एक इच्छा थी कि जब वे इस संसार में हैं उस समय ये खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें। देखिए, कई लोगों की ये गलत धारणा है कि प्रभु उस थानेदार के समान है जो डंडा लेके बैठा है, जो भी आता है चाहे अपराधी हो या निर्दोष हो, लेकिन थाने में जाओ तो पहले डंडा। ऐसे लोग होते हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि संसार के सृजनहार इसी तरह से डंडा लेके बैठे हुए थानेदार हैं। जी नहीं, संसार के सृष्टिकर्ता जिन्होंने हमारी सृष्टि की है वे स्नेह से भरे हुए प्रभु हैं जो हमको नया जीवन, मुक्ति और शांति देना चाहते हैं। इस कारण जब प्रभु संसार में पधारे, मनुष्य रूप में पधारे, तो प्रभु चाहते थे कि उनके जीते जी, या सही शब्दों में कहा जाए तो इस पृथ्वी पर उनके रहते समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक खबर मिल सके जिससे कि वे लोग प्रभु के पास आकर अनुग्रह पा सके। इसलिए प्रभु ने क्या किया, 12 पुरुषों को चुन लिया, वे प्रभु के साथ साथ रहें। काहे को साथ साथ रहें, जिससे कि प्रभु की शिक्षा पाएं, और वे उन्हें भेजें कि प्रचार करें। प्रचार काहे को करें, प्रभु उनको नव जीवन के बारे में, नए जीवन के बारे में, मुक्ति और शांति के बारे में जो संदेश दे रहे हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि ये संदेश लेकर सारे संसार में लोगों को बताएं। प्रभु ने एक काम और किया, दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार रखें। इसका क्या मतलब है, जब प्रभु संसार में पधारे थे आज से 2000 साल पहले, तब ऐसी बहुत सारी घटनाएं थी कि भूत आदमी के अंदर या दुष्टात्मा आदमी के अंदर चला जाए, आदमी भूतग्रस्त हो जाए, और भूतग्रस्त हो जाने के बाद जो है चिल्ला के तमाम तरह के काम करें। ऐसे कई लोगों के बारे में प्रभु के वचन में हमने सुना है, चिल्ला कर कपड़े ही उतार डाले, चिल्ला कर दूसरों के विरुद्ध उपद्रव करे, चिल्लाते हुए आग में कूद जाए, इस तरह के तमाम कर्म करते थे। लेकिन प्रभु कभी नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस तरह से दुख और दर्द का अनुभव करें। इस कारण प्रभु ने अपने इन 12 शिष्यों को ये विशेष वरदान दिया था कि वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ यदि कोई भूतग्रस्त आदमी मिलता है तो वे प्रभु की शक्ति के द्वारा उस व्यक्ति को भूत बाधा से मुक्ति प्रदान करें। इसके बाद इन लोगों का नाम दिया हुआ है, और इन नामों का और नामों के साथ जो बातें कही गई हैं उसका अध्ययन हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होगा। 16वें पद में हम देखते हैं वे ये हैं, मतलब इन 12 का नाम दिया है। शमौन, जिसका नाम प्रभु ने पत्रस रखा, मतलब प्रभु ने ना केवल अपने लिए 12 शिष्य चुने, उनमें से शमौन नाम का एक व्यक्ति था उसका नाम बदल के पत्रस रख दिया। अब अपनी भाषा में ना तो शमौन का कोई मतलब है ना पत्रस का कोई मतलब है, लेकिन जिस भाषा में प्रभु ने नाम दिया था उस भाषा में पत्रस का मतलब हमको मालूम होना चाहिए। एक्चुअली प्रभु के जो 12 शिष्य थे उसमें से जो जब नए नियम में जो वर्णन मिलता है उस वर्णन के आधार पर पढ़कर देखें तो प्रभु के 12 शिष्यों में सबसे हट्टा कट्टा मजबूत और सबसे हिम्मती व्यक्ति
या सबसे हिम्मती शिष्य थे पतरस। पतरस की आदत थी हर बात में वो जो है कूद पड़ते थे, प्रभु को पानी पे चलते देखा, अरे प्रभु आप पानी पे चल रहे हैं मुझे भी चलने दीजिए। प्रभु ने उस महान व्यक्ति का नाम बदल के रखा पतरस, जिसका मतलब है पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा। ऐसा नाम क्यों दिया? इसलिए कि उसके कुछ समय के बाद प्रभु ने यह बात बताई कि आत्मिक विश्वास एक चट्टान के समान है। प्रभु यीशु पर हम जब विश्वास करते हैं तब वो विश्वास एक चट्टान के समान है। एक चट्टान की तुलना में एक छोटा सा पत्थर कोई मायने नहीं रखता है। प्रभु अपने उस महान शिष्य को ये बताना चाहते थे, हे मेरे प्रिय शिष्य, मुझ पर विश्वास करो, चट्टान मैं हूं, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ एक छोटे से पत्थर हो। ये बात इस महान व्यक्ति को समझाने के लिए प्रभु को 3.5 साल लगे। लेकिन ये जो 3.5 साल है, जो प्रभु ने उस व्यक्ति की पूरी जो काया पलट कर दी, उसमें पहला काम प्रभु ने उसका नाम बदलने के द्वारा किया, जो इस बात की निशानी थी कि देखो मैं तुम्हारे जीवन को आमूल परिवर्तन करने जा रहा हूं। पतरस के बारे में प्रभु के वचन में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। जब आखिरी दिनों में प्रभु ने कहा कि देखो मुझे पकड़वा देंगे, धोखे से पकड़वा के मेरी हत्या कर देंगे, सूली पर मेरी हत्या कर देंगे, तुम सब भाग जाओगे, तो पतरस खड़ा होकर बोले, हे प्रभु ये सब भाग जाए तो अभी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके साथ सूली पे चढ़ने के लिए आ जाऊंगा। ये कहने के कुछ घंटों के बाद जब एक गुलाम दासी आके, अरे तुम तो प्रभु के साथ थे, तो पतरस बोला, अरे क्या बेकार की बात करती हूं, मैं तो उस आदमी को जानते ही नहीं हूं। ये था पतरस, वो महान व्यक्ति। लेकिन प्रभु यीशु जब मृत्यु से पुनर्जीवित हुए और जब प्रभु को पुनर्जीवित होने के बाद 40 दिन उस पतरस ने देखा सुना, पतरस का जीवन, पतरस का नजरिया बदल गया और प्रभु ने उस पतरस को, जो एक गैरासी लड़की के सामने डर गया था, जब प्रभु ने उस पतरस को भेजा अपना शुभ संदेश सुनाने के लिए, तो उसने हर जगह जाकर शुभ संदेश सुनाया। फाइनली लोगों ने उसको पकड़ लिया, आज्ञा हुई कि उसको सूली पर चढ़ा दो। तब पतरस ने एक विनती की, मेरे प्रभु को जिस तरह से सूली पर चढ़ाया गया था, मैं उस तरह से सूली पर लटकने के योग्य नहीं हूं, इसलिए मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर करके मुझे उल्टा सूली पर लटकाया जाए। और मौखिक इतिहास हमको ये बताता है कि पतरस को जब सूली दी गई तो उल्टी सूली दी गई। जो आदमी हर बात पे उचकता था, जिसको प्रभु ने बताया मेरे शिष्य चट्टान मैं हूं, तुम एक पत्थर के समान हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब वो पत्थर इस बात को समझेगा कि वो इस चट्टान का भाग है और इस कारण वो हिम्मती हो जाएगा। ऐसा ही हुआ पतरस के साथ। तो पहला नाम हमको उस व्यक्ति का मिलता है जिसका नाम प्रभु ने बदला। उसके बाद जब्दी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना, जिनका नाम प्रभु ने बुअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा। क्या मतलब? यहां दो भाइयों को चूज किया और प्रभु ने उनका नाम रखा गर्जन के पुत्र। अपन लोग जो गांव में रहते हैं, शेर का गर्जन तो शायद नहीं सुना होगा। मैंने तो शेर का गर्जन बहुत सुना है, इसलिए कि घरों, हम जिस घर में रहते थे उसके सामने काफ़ी बड़ा मैदान था, वहाँ हर 2 साल में एक बार सर्कस वाले आके टेंट लगाते थे, और जब आते थे तो 10-12 शेरों को लेकर, बब्बर शेर को लेकर आते थे।
तो रात भर शेर का गर्जन सुनाई देता था, बहुत भयानक होता है। सालों के बाद अभी भी मेरे दिमाग से वो आवाज लुप्त नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज की गर्जन जरूर सुनी है, जब बादल गरजते हैं और खासकर केरल में इस बरसात के समय जब बिजली कड़कती है, बिजली का गर्जन होता है, सब ने सुना है ना। मैंने ऐसे बहुत सारे मित्रों को देखा है जो बिजली कड़कती है तो ऐसा सिकुड़ जाते हैं डर के मारे। प्रभु ने अपने इन दोनों शिष्यों को गर्जन का पुत्र रखा। क्या मतलब? जहां भी जाओगे तुम हर जगह जो है गर्जन ही करते रहोगे। एक बार ऐसा हुआ कि लोगों ने प्रभु को स्वीकार नहीं किया तो ये बोले, हे प्रभु, आसमान से अग्नि मंगा कर इनको भस्म कर देते हैं। ये है गर्जन के पुत्र। उनको भी प्रभु ने अपने शिष्य गण में भर्ती किया, 3.5 साल शिक्षा दी, उनका रूपांतर हो गया। प्रभु जब किसी व्यक्ति को अपने शिष्य के रूप में बुलाते हैं, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, प्रभु उसका बदलाव करते हैं, रूपांतर करते हैं। आज शाम को जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं उसमें पहली बात यह है, संसार के सृष्टा जब इस संसार में मनुष्य रूप में पधारे तो आज से 2000 साल पहले तो उन्होंने 12 लोगों को अपने शिष्य के रूप में चुना था, लेकिन अपने स्वर्गारोहण से पहले उन्होंने ये बात बताई थी, सारे संसार में जाओ और ये शुभ संदेश हर व्यक्ति को सुनाओ। जो भी व्यक्ति इस शुभ संदेश को सुनकर मेरा शिष्य बन जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब प्रभु संसार में थे तब प्रभु ने सिर्फ 12 लोगों को शिष्य का टाइटल या शिष्य का नाम दिया था, लेकिन जब प्रभु सूली पर अपना बलिदान कर चुके, जब वे पुनर्जीवित हो गए, उसके बाद जो भी व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है, मुक्ति पाता है, जो शांति पाता है, वो प्रभु का शिष्य है। इस कारण प्रिय भाई और बहनों, आज यहां उपस्थित लोगों में से जिसने भी प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, उस व्यक्ति को मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, प्रभु आपको शिष्य के रूप में देखते हैं। और प्रभु आपको शिष्य के रूप में जब देखते हैं तब प्रभु आपसे चाहते हैं कि आपके जीवन में रूपांतर हो। रूपांतर के बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, बिना रूपांतर के यह जिंदगी बेकार है। हम सब बाजार जाके आटा लाते हैं, आटे को बर्तन में डाल के शक्कर मिला के खाता है क्या कोई? शक्कर को मान लीजिए पाउडर कर दिया आटे के समान, मिला के कोई खाता है क्या? जी नहीं। आटा लेके पहले गूंथा जाता है, गूंथने के बाद वो आटा रह जाता है क्या? जी नहीं। गूंथने के बाद तो गूंधा हुआ आटा बन जाता है। बस गूंथने के बाद खाना शुरू करते हैं क्या? जी नहीं। उसको तवे पे बेलते हैं, फिर से उसका रूप बदल गया। बेलने के बाद खाना चालू कर देते हैं क्या? जी नहीं। बेलने के बाद उसको तवे पे डाल के अच्छी तरह से पकाते हैं और अच्छी तरह से पकाई हुई घी चुपड़ी हुई जो सूखी रोटी है उसका नाम लेते हैं तो मेरे तो मुंह में पानी आ जाता है, सभी के मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उस भोजन का स्वाद, वो घी चुपड़ी हुई रोटी और उसके साथ आलू मटर या आलू गोभी मिल जाए तो वाह 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 क्या स्वाद है। लेकिन आलू मटर जो है, यदि आपको कच्चा आलू मटर दे दे, स्वाद आएगा क्या? जी नहीं। तो जब हम आलू मटर या आलू गोभी खाने के लिए सब्जी तैयार करते हैं, रूपांतर हो गया। और जब आटे से हमने चपाती बना के उसमें घी चुपड़ गया तो दिया तो रूपांतर हो गया। तो यदि संसार की बातें जिनका प्रयोग हम हर दिन करते हैं उनमें रूपांतर जरूरी है, तो मेरे और आपके जीवन में इस तरह से रूपांतर जरूरी है। और ये प्रभु ने अपने शिष्यों को बताई और प्रभु के शिष्यों का जीवन हम देखते हैं तो ये रूपांतर पाते हैं। तो आज संध्या मैं फिर से याद दिला दूं, प्रभु संसार में आए थे आपको एक नए जीवन देने के लिए।
और जब आप उस नए जीवन को पा लेते हैं तो आप प्रभु के शिष्य बन जाते हैं, और जब शिष्य बन जाते हैं तो प्रभु ने 3.5 साल अपने शिष्यों पर बड़ी मेहनत की कि उनका रूपांतर हो। उसी प्रकार हमारे पूरे जीवन में आज जीवनांत प्रभु यत्न करते हैं कि हमारा रूपांतर हो। आगे शिष्यों को देखें, अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमै, मत्ती और थोमा। इनमें से हर व्यक्ति अलग अलग काम के लिए अलग अलग, इनमें से हर व्यक्ति ने अलग अलग जगह जाके सेवा की थी। यहाँ मैंने थोमा जो नाम लिया है, इसी को अंग्रेजी में थॉमस बोलते हैं, नाम आपने सुना होगा। संत थोमा ईस्वी 50 में नए नियम की पहली पुस्तक मत्ती रचित शुभ संदेश की एक कॉपी लेकर यहाँ से, मुझे लगता है मुश्किल से 50 किलोमीटर भी दूर नहीं होगा, कुडंगलूर नाम की जगह पर पानी के जहाज से आकर उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने प्रभु यीशु का संदेश पहले तो सारे केरल में, उसके बाद तमिलनाडु में, और ऐसा अनुमान है कि वे कश्मीर तक गए थे, क्योंकि मौखिक इतिहास हमको बताता है कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक उन्होंने 7 आराधनालयों का निर्माण करवाया था। तो प्रभु ने इस तरह से काफी सारे शिष्य चुने। इनमें थोमा के बारे में एक विशेष बात है, यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब हम 4 शुभ संदेश पढ़ते हैं तब उसमें देखते हैं कि ये जो शिष्य था थोमा, इसको हर बात में डाउट होता था। प्रभु बोले कि देखो मैं पुनर्जीवित हो जाऊंगा, तो तुरंत उसने कहा कि प्रभु हमारा क्या होगा। पुनर्जीवित होने के बाद जो है प्रभु ने शिष्यों को दर्शन दिया, लेकिन उस समय थोमा नहीं था। जब थोमा वापस आया, लोगों ने बताया कि अरे प्रभु अपने बीच में पधारे थे, वो बोले नहीं 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 मैं तो यकीन नहीं करता। उसके बाद प्रभु स्वयं पधारे, प्रभु ने कहा इधर आओ, तुम प्रमाण चाहते हो ना, एक काम करो इधर आओ, मेरे हाथों में जो कीलें जो गाड़ दी गई थी उसका निशान है, हाथ डाल के यकीन कर लो, वो भाला जिससे मेरे दिल को छेद दिया गया था वहां पर आके देखो निशान है। थोमा रोते हुए प्रभु के सामने घुटने पर गिर गया था, ऐसा प्रभु के वचन में हम देखते हैं। क्या हुआ थोमा के साथ? रूपांतर। उसका, उसके जीवन में जो शंका थी, जो शंकालु स्वभाव था, वो बदल गया, वो एक नया व्यक्ति बन गया। यहाँ हिंदुस्तान में आने के और कई जगह प्रभु यीशु का संदेश सुनाने के बाद थोमा की हत्या कर दी गई थी। ऐसा सुनते हैं कि जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब एक भाले से उनका दिल छेद दिया गया, और इस तरह से वे प्रभु यीशु के लिए शहीद हो गए थे। किस तरह से एक एक करके लोगों के जीवन में प्रभु ने जो 12 लोग चुने थे उनके जीवन में रूपांतर हुआ। आखिर में एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, यहूदा इस्करियोती, जिन्होंने प्रभु को धोखे से पकड़वा दिया। इसका क्या मतलब? प्रभु ने 12 लोगों को चुना था जो प्रभु के साथ रहें, प्रभु की वाणी सुने, प्रभु से शिक्षा प्राप्त करें और जीवन में रूपांतर पाए। लेकिन इन 12 में से एक ऐसा भी था जो प्रभु के साथ रहा, प्रभु के साथ हर जगह गया और बहुत बढ़ बढ़ के उसने काम किए, लेकिन उसका दिल, उसका झुकाव प्रभु की तरफ नहीं था। उसका झुकाव सिर्फ एक चीज की तरफ था, पैसा पैसा पैसा। क्या हुआ? एक बार जब प्रभु की स्तुति और आराधना करने के लिए एक स्त्री ने, बहुत ही बहुमूल्य इत्र, बहुत महंगा था, बहुत बहुमूल्य, एक मजदूर, हट्टा कट्टा स्वस्थ मजदूर, 1.5 साल में जितनी मजदूरी कमाता है वो थी इसकी कीमत। उसको लाके उसने जब प्रभु के ऊपर उंडेला तो यहूदा बड़ा नाराज हो गया। क्यों?
अरे बाप रे, उसने कहा इतना सारा पैसा बर्बाद कर दिया। देखिए, जब उसकी भक्ति प्रभु में नहीं थी, जब उसका विश्वास प्रभु में नहीं था, तो उसकी चाल चलन में खोट आ गया। चाल चलन में इसलिए खोट आया कि उसके मन में खोट था, और मन में खोट होने के कारण उसने डिसाइड किया कि ये मैं इसका बदला लूंगा। प्रभु जब संसार में थे, प्रभु ने जब ईश्वर की वाणी लोगों को सुनाई, तो प्रभु के बहुत सारे दुश्मन हो गए थे। उन दुश्मनों ने डिसाइड किया कि प्रभु यीशु की हत्या करनी है। परेशानी क्या है कि हर कोई जानता था कि प्रभु दिव्य हैं, और इस कारण सबके सामने पकड़ नहीं सकते। रहस्य में पकड़ के प्रभु की हत्या करनी थी, रहस्य में पकड़ने में परेशानी क्या, प्रभु कहाँ कहाँ जाते उनको नहीं मालूम था। लेकिन प्रभु के 12 शिष्यों में से जिस चेले के मन में खोट था, जिसके मन में लालच था, उसने एक दिन प्रभु के दुश्मनों के पास जाकर उनसे कहा कि तुम प्रभु की हत्या करना चाहते हो, अरे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे चांदी के 30 सिक्के दे दो। चांदी के 30 सिक्के आज हम सुनते हैं तो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि अपने सिक्के चांदी के नहीं होते हैं। प्रभु के जमाने में 30 चांदी के सिक्के एक हट्टे कट्टे गुलाम की कीमत थी। जरा देखें, 3.5 साल जो व्यक्ति प्रभु के साथ रहा, जिसने प्रभु की वाणी सुनी, प्रभु के द्वारा किए गए सारे आश्चर्यकर्म देखे, उसने प्रभु की कीमत आंकी, तो वो भी 30 चांदी के सिक्के, मतलब एक गुलाम के समान। मनुष्य के मन में जब पाप आ जाता है, वो पाप उसको अधर्म के लिए प्रेरित करता है, और जब वो अधर्म करने के लिए जाता है तो ईश्वर को नहीं जानता। यहूदा नाम के व्यक्ति ने फाइनली प्रभु को धोखे से पकड़वाया, उन लोगों ने धोखे से प्रभु की हत्या कर दी, उनको सूली पर टांग दिया, जनता छाती पीट पीट कर रोई। लेकिन प्रभु ने पहले से बोल दिया था कि मैं तो जानबूझकर सूली पर अपना जीवन देने जा रहा हूं। क्यों? इसलिए कि मनुष्य के पाप के लिए एक प्रायश्चित और एक बलिदान जरूरी है। और इस तरह से प्रभु ने जो अपनी उनकी वाणी थी उसके अनुसार सूली पर अपना जीवन दिया। लेकिन प्रभु ने जाने से पहले शिष्यों को कई बार ये बात बताई थी, मेरे प्रिय शिष्यों डरो मत, मृत्यु के 3 दिन बाद मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ, प्रभु को दफनाया गया। न केवल दफनाया गया, कब्र के ऊपर सील लगा दी गई, पहरा लगा दिया गया, और वो भी ऑर्डिनरी पहरा नहीं, रोमी लोग जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी थी, दिन रात पहरा लगा दिया गया। लेकिन क्या हुआ, जैसा प्रभु ने कहा था, 3 दिन और 3 रात के बाद प्रभु फिर से जीवित हो गए, कब्र के बाहर आ गए। वो लोग कुछ नहीं कर सके, स्वर्गदूत आए, उन्होंने कब्र के बाहर जो पत्थर था उसको धक्का दिया, पत्थर लुढ़क के चला गया, कोई नहीं रोक सका। प्रभु ने उसके बाद 40 दिन अपने शिष्यों को दर्शन दिया, और उसके बाद शिष्यों के देखते 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 प्रभु स्वर्ग चले गए। जाने से पहले प्रभु ने उनको ये आश्वासन दिया था, मेरे प्रिय बच्चों मैं वापस आऊंगा। प्रभु ने वापस आने के कई चिन्ह दिए थे, आज हमारे सामने वे सारे चिन्ह पूरे हो रहे हैं। आज ये जो घटना जिसका अध्ययन हमने किया है, इसके आधार पर 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु संसार में पधारे थे लोगों को नया जीवन देने के लिए। जो भी व्यक्ति प्रभु के द्वारा ये नया जीवन पाता है, प्रभु उसको अपना शिष्य मानते हैं। जो भी व्यक्ति प्रभु का शिष्य बन जाता है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जीवन में रूपांतर प्राप्त करे। रूपांतर प्राप्त करने का तरीका प्रभु के वचन में दिया हुआ है कि प्रभु के वचन के अध्ययन से हमारा रूपांतर होता है। जब हम इस तरह से सत्संग में आते हैं तब प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से भी अपना अध्ययन करते हैं, उससे भी रूपांतर होता है। सत्संग में आते हैं तब भी हम अध्ययन करते हैं, उससे रूपांतर होता है। इस कारण आज शाम को यहाँ जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ
आपके मेरे जीवन में रूपांतर जरूरी है, उसके लिए प्रभु के वचन की तरफ ध्यान दें। नंबर टू, यदि हमने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है तो ये जरूरी है कि जिसने भी ये नहीं किया है वो प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करे। इस कारण यदि सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिसने अभी तक प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में नहीं पाया है, तो प्रिय भाई बहन देर न करें, प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें। इस विषय के बारे में और डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, मुझसे आकर मिलिए। तीसरी बात, प्रभु के शिष्यों के बीच में हमेशा एक आध खोटा सिक्का जरूर होता है, जिसको देखने में ऐसा लगता है कि असली सिक्का है लेकिन होता है खोटा। वो प्रभु को धोखा देता है, प्रभु के लोगों को धोखा देता है। क्या फायदा? उस यहूदा ने ये जो पैसे मिले थे, इसके अलावा उसको बहुत पैसे और मिले थे। एक्चुअली जो भी दान प्रभु को दिया जाता था वो सारा दान यहूदा को दे दिया जाता था। वो एक थैलिया में रखता था और उस थैली में से जो जो उसकी इच्छा थी वो अपनी जेब में डाल लेता था। इस तरह से उसने बहुत पैसे बनाए। उस पैसे से उसने बहुत बड़ी सी एक बगिया खरीदी। क्या हुआ, उस फार्म हाउस का उपयोग कर सका क्या? जी नहीं, प्रभु को सूली पर चढ़ा दिया ये देखकर उसने फांसी लगा ली। उससे हम क्या सीखते हैं? उससे हम ये सीखते हैं कि जहां भी शिष्य हैं, सच्चे शिष्य हैं, उनके बीच में खोटे शिष्य भी होते हैं। आप पूछेंगे तो शास्त्री सर उससे मुझे क्या? जी आपको और मुझे उससे बहुत कुछ लेना देना है। क्या लेना देना है? लेना देना यह है कि आज हम अपने जीवन को जांचें। हे प्रभु, मैं एक सच्चा शिष्य हूँ या खोटा शिष्य हूँ? मैं आपके प्रति समर्पित हूँ या यहूदा के? मैं आपके प्रति समर्पित हूँ या यहूदा के समान आपको धोखा दे रहा हूँ, जनता की आंखों में धूल डाल रहा हूँ? अपने जीवन को अच्छी तरह से जांचने और परखने के लिए प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु आप में से हर व्यक्ति की मदद करें। हर संडे शाम को यहाँ इस तरह से सत्संग होता है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न मिलेगी काम से, इसलिए प्रभु के ध्यान के लिए, संगति के लिए थोड़ा सा समय निकालें। हर संडे सत्संग के लिए आ जाया करें। यहाँ जो लोग नियमित रूप से आते हैं उनसे एक प्रश्न पूछें, भैया तुम सत्संग आ रहे हो पिछले 6 महीने से, साल भर से या 2 साल से, उससे तुम अच्छे बने या बुरे बने, उससे तुमको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आज जरा पूछ के देखिए, आपको पता चलेगा। उसमें से हर व्यक्ति बताएगा कि सत्संग में आने से मेरे जीवन में तो बहुत बदलाव आया है। आप पूछेंगे कि शास्त्री सर आप तो सत्संग में हमेशा प्रवचन देते हैं, आपको कोई फर्क पड़ा कि? अरे मुझे भी बहुत फर्क पड़ा है। प्रभु का वचन 2-धारी तलवार है, उसको जो सुनते हैं उनके जीवन में भी वो कार्य करता है, उसको जो सुनाता है उसके जीवन में भी कार्य करता है। इस बात को समझकर आज यहाँ से जाने के लिए प्रभु हम में से हरेक की मदद करें। प्रभु आप सबको अपना अनुग्रह बहुत आयत से दें। जय मसीह की।